लोकसभा चुनाव में एक तरफा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की जीत है, अभी तक एक वादा भी बीजेपी की सरकार का किया हुआ पूरा नहीं उतरा है। मंडी का तो वन साइड है जी, नवीन जिंदल जी के साथ हैं। बीजेपी सरकार किस मुंह से हमारी मंडी के अंदर वोट मांगेगी? विधायक भाई लीलाराम जी, जब भी हमने गए, मैं 3 साल प्रधान है 2018 से 2020 तक जी, लाइसेंस को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब भी दिक्कत आई विधायक जी ने हमारे लाइसेंस बनवाए हैं। हमारा अग्रवाल समाज जहाँ तक मुझे ज्ञात है सुशील गुप्ता जी के साथ खुल के लगा हुआ है। नवीन जिंदल एक सुरजो या ईमानदार और उद्योग प्रसिद्ध उद्योगपति समाजवादी नेता है। बीजेपी सरकार ने जब से सरकार बनी है 10 साल से व्यापारियों का किसानों का यहाँ पे रहना धंधा कर दिया है। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी प्रधान जी, आप भी शहर की राजनीति में जो है चेयरमैन रहे हैं और मंत्री जी के साथ हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव में एक तरफा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की जीत है, कांग्रेस के प्रत्यक्ष संजय हमारे प्रत्याशी है और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आपने पता ही शनिवार को डोर टू डोर कराया, जबकि सभी मंडी में इतना उत्सव इतना खुशी थी रणदीप सुरजेवाला को देखकर कि मंडी रणदीप सुरजेवाला को बहुत ज़्यादा चाहती है। जहां रणदीप सुरजेवाला चाहेंगे वहां मंडी हो जाती है। नंबर दो बात, 90% मैं आज मानता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला जी के साथ मंडी है और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी यहाँ से MP बनेंगे, बड़ी अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। नवीन जिंदल आए हैं और मंडी में उनका भी पीछे संपर्क ठीक रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जिंदल साहब जी बड़ी आदमी है, मैं भी पीछे 10 साल हमारे कांग्रेस में थे, हमने उनका साथ दिया, लेकिन अब वो BJP में चले गए हैं। लेकिन वो अब की बार उनका मैं ये समझता हूँ डिसीजन गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी से आते तो बड़े अच्छी मार्जिन से जीते, क्यों BJP से लोग बड़े परेशान हैं। BJP सरकार ने जब से सरकार बनी है 10 साल से व्यापारियों का किसानों का यहाँ पर रहना गंदा कर दिया है। व्यापारियों की आड़त बंद कर रखी है, आपने पता आड़तियों की, अब मुद्दा उठाया था 2.5% आड़त जो सदियों से चलती आ रही थी, BJP सरकार ने आज तक 1 रुपये नहीं बढ़ाया। 10 साल 15 साल में 1 रुपये बढ़ाया तो ले, वो घटाने लग रही है, घटाने का क्या राइट है? उन्हें 43 रुपये 80 पैसे गेहूँ की दे रही, 11 रुपये क्विंटल प्रति मतलब क्विंटल गेहूँ में और जीरी में जो हमारी नहीं दे रही, कई करोड़ों रुपए बनता है। ये BJP आंखें बंद करे बैठी है, उनको पता नहीं भी अड़ती होगी ये समस्या है, सुन नहीं आज तक 10 साल हो गए। दूसरा मुद्दा हमारा इलेक्शन इसका लाइसेंसों का था, 250 लाइसेंस करीब है, वो आज तक सही नहीं करे। अड़ती का बच्चा तो अड़ती बनेगा, लाइसेंस को न्यू नहीं कर रहे, आड़ती का लाइसेंस न्यू नहीं करे, कोई पिस्टल का भीम का लाइसेंस थोड़ी मांगने लग रहे, टैक्स दे रही है सरकार को। 10 साल से आज तक आड़ती मारा मारा फिर रहा है सारे खट्टर सरकार के पास। मैंने कहा हजारों बार प्रधान मारे, हजारों बार मैंने मंडी बंद कर ली, हजारों बार धरना भी बैठ ली, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई BJP से। BJP सरकार किस मुंह से हमारी मंडी के अंदर वोट मांगेगी? जिंदल साहब से ये रिक्वायर करते थे कि ये तो कांग्रेस से आना था, इनको गलती हुई है और ये मोदी लहर, ऐसा कुछ नहीं है। 90-95% मंडी एक है, सभी व्यापारी किसान और मुनीम, अब की बार ये पता लग जाएगा भाई BJP को क्या हुआ है। बड़ी अच्छी वोटों से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। तो जो नवीन जिंदल के पहले समर्थक, जैसे आप भी समर्थक थे, वो जो अभी कांग्रेस में ही हैं या BJP में नहीं गए, घर बैठे हैं, तो ये हम तो रणदीप सुरजेवाला के मैं चेल्ला था सबका। रणदीप सुरजेवाला जी जहाँ कहते थे हम तो वहाँ लगते थे। नवीन जिंदल जी कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस का काम कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला कहने से, अब रणदीप जिंदल साहब BJP में चले, हम BJP का काम थोड़े करेंगे, हम तो रणदीप सुरजेवाला जहाँ कहेंगे हम तो वो काम करेंगे, हम जिंदल साहब के कहने से नहीं काम करें, हम तो रणदीप सुरजेवाला के कहने की टीम है। जिंदल साहब के पास कोई टीम नहीं है, BJP के पास आज तक तो कोई MP नहीं है बनया। हरियाणा के अंदर 6 MP जो टिकट दी है कांग्रेस की है, 6 के 6, हरियाणा के अंदर आज तक 6-10 आदमी नहीं चुन सके लोकसभा के अंदर, कहाँ से जीतने की उम्मीद रखते हैं 10 सीटें 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार जाएगी, बड़ा सुख शांति का टाइम आएगा, कांग्रेस सरकार बनेगी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान हैं आप और राजनीतिक माहौल इसमें चल रहा है, और यदि हम जैसे चुनाव में जाती है समीकरण चलते हैं हमेशा, अग्रवाल समाज से 2 उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में कुरुक्षेत्र सीट से, क्या कहेंगे आप? चाहे अग्रवाल समाज से 2 उम्मीदवार आए हैं, लेकिन हमारा अग्रवाल समाज जहाँ तक मुझे ज्ञात है सुशील गुप्ता जी के साथ खुल के लगा हुआ है और खुल के लगेगा। नवीन जिंदल जी के ऊपर प्रेशर था तो इसीलिए नवीन जिंदल जी ने BJP की टिकट लिया, वरना आज तक नवीन जिंदल जी कहाँ थे? नवीन जिंदल जी कांग्रेस में ही थे, प्रेशर की वजह से उन्हें सब सारे देश को सारे प्रदेश को पता है कि नवीन जिंदल जी के ऊपर प्रेशर था BJP का, उसी वजह से उन्होंने BJP की टिकट ली है और BJP की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं अब की बार ये जुमले की सरकार, ये नारा साबित हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है जुमले की ही सरकार है, अभी तक सारे जुमले ही साबित हुए हैं, अभी तक एक वादा भी BJP की सरकार का किया हुआ पूरा नहीं उतरा है।
पिछले 10 सालों में बैंक के ब्याज देखो आप कहाँ पहुँच गए जी, 6.5% ब्याज होता था, 9.5% ब्याज हो गया है सीसी लिमिटों का। व्यापारी कहाँ तक स्टैंड करेगा? इलिटरेसी, बेरोजगारी देखो कहाँ पहुँच गई है। बेरोजगारी, देश के युवा बेरोजगार 10-10 हज़ार रुपये सैलरी पे तनख्वाह पे काम करने को तैयार है। देश के युवा बेरोजगारी इतनी ऊपर ऊंचाइयों तक छू चुकी है। सिलेंडर के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, कोई एक चीज़ भी दालों के, चावलों के, जो भी है आम जनता जो मतलब घर में यूज़ करती है चीज़ें, आम यूज होने चाहिए, उनके रेट कहाँ पहुँच गए हैं। आप ये चीज़ देखो कि इस सरकार ने 10 साल में 3 गुना रेट पहुँचा दिया हर चीज़ के, तो कहाँ तक व्यापारी स्टैंड करेगा, आम आदमी कहाँ तक स्टैंड करेगा। तो अब की बार हमें लगता है कि सेंटर में भी और स्टेट में, हरियाणा में तो बीजेपी गवर्नमेंट का आने का कोई चांस है ही नहीं, और सेंटर में भी 150 सीटों से ऊपर हमें लगता है कि बीजेपी की आएंगी। कुशेत्तर सीट पे क्या मानते हैं? कुशेत्तर सीट पे क्लियर जीत सुशील गुप्ता जी की है, क्योंकि सुशील गुप्ता जी एक आम आदमी है, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, 3 आ गए हैं लोग, सुशील गुप्ता हैं, बीजेपी से नवीन जिंदल हैं जी, और अभय चौटाला है जी। मंडी का क्या माहौल लग रहा है आपको? मंडी का तो वन साइड है जी, नवीन जिंदल जी के साथ हैं। जिस दिन नवीन जिंदल जी का यहाँ मंडी का दौरा होगा उस दिन आप लोगों ने पता लग जाएगा, ऐसे बयानबाजी करने से पता नहीं लगता। वो तो आने वाली 25 मई को जनता बताएगी मैं कुरुक्षेत्र से कौन जीतेगा। तो क्या लगता है जैसे नवीन जिंदल अब भाजपा में, पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में आ गए हैं? नवीन जिंदल एक सुलझा हुआ ईमानदार और प्रसिद्ध उद्योगपति समाजवादी नेता है, ठीक है। इनका मन नहीं था राजनीति में, दुष्प्रचार कर दिया इंडिया गठबंधन वालों ने, भाई ये धक्के से बुलाया, ये बुलाया, वो बुलाया। लेकिन नवीन जिंदल जी के साथ मेरी पर्सनल बात हुई है, वो मोदी जी के कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने खुद ज्वाइन किया। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जिंदल जीतेंगे? बिल्कुल एकदम 100% जीतेंगे जी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये ठीक है। 4 जून तक विपक्षी जो कार्यकर्ता लगा लो, नेता लगा लो, अपने मुगालते में रहेंगे, 4 तारीख उनके सबके मुंह पर ताले बंद, ताले लग जाएंगे। मंडी को लेकर क्या कहेंगे आप? मंडी में वन तरफ, एक तरफ मोल है जी, पिछले 5 साल में मेरी बात सुनो, MLA लाइसेंस के बारे में जी, विधायक भाई लीलाराम जी, जब भी हमने गए, मैं 3 साल प्रधान है 2018 से 2020 तक जी, लाइसेंस को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब भी दिक्कत आई विधायक जी ने हमारे लाइसेंस बनवाए हैं जी। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी थे जो आज हरियाणा के CM बने हुए हैं, वह भी हमारे साथ खड़े रहे, मंडी में भी आते रहे, मेरी दुकान पे भी आए, सब कुछ है जी। जो भी दिक्कत आई है ना किसी चीज़ की, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से, एफड से, या वेरा उससे, विधायक जी ने उसी टाइम समस्या का समाधान करवाया। आप देखो दो मतलब लगभग 1.5 साल पहले कैथल मंडी को चीका के अड़तियों की जरूरत थी राइस मिलरों की, भाई यहाँ PR कम रेट से बिक रही है MSP से, ताकि चीका वाले यहाँ परचेज करने के आएंगे तब तो मतलब MSP से ऊपर भी बिकेंगे, और हुआ भी ऐसे ही। तो विधायक जी ने पूरा जोर अधिकारियों को अपनी कोठी बोला कि लताड़ लगाई, भी आप क्यों उनको वो गुमराह कर रहे हो, क्यों नहीं खोल रहे हो। वहाँ MP साहब भी थे मौके पे, उन्होंने उसी टाइम मतलब राइस मिलर को ऑफर करवाई, भाई हम चीका वाले यहाँ से परचेज कर सकें।